राजेंद्र जी, लोंडिया से कौन आ रही थारे? लोंडिया बता रहा, बहू है मेरी। तेरी बहू मतलब? बहू तो अरे बहू है, ब्याह के लाया हूँ। और तुम क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? तेरे तो पूछ के ही कर रहे हैं कि हम सारे काम कहाँ बैठे हैं, कहाँ खड़े हूँ। मेरे यार सर मत ही ना, रखवाली कर रहे हैं हम। तेरे की डाल के 100 अंडे गलू में पूछते कौन कहाँ आ रहा। चच्ची, अरे तू के ले मार से है? तुम्हारे घर में ताक का झांकी करता रहे। पहले तो तुम्हारे बाल को क्या करा था, अब मारी बहु बेटी पर नजर मारन लगा। तू जज है, थानेदार है, दरोगा है, मजिस्ट्रेट है, क्या है तू? तू अपना रास्ता ना। ब्याह के लाए बहु है मारी, बता। ब्याह के लाए? और वो पहली बहू? अरे उसके 14 बालक हो लिए थे, फेरू आगे नखरे करने लगी। मैंने उसके बाप से कही, मका अपनी लोंडिया को ले जा और इन सारे बालकों को भी ले जा, या मेरा दूसरा ब्याह करवा दे। वो डर गया, इतने बालक पालने बस की थोड़े ना सबके। फिर उन्होंने करवाया दूसरा ब्याह। और एक बात बता, तू धार लेके अपने घर को क्यों ना जाता? तहकीकात कर रहा है यहाँ तेरा ससुरा। 14 बालक उससे करवाए, 14 इससे करवाऊंगे। अरे मेट्रो ले आऊंगे, मेट्रो आगे, तेरी समझ में ना आए। हाँ हम मेट्रो लेंगे। हाँ अब इसके 14 कर दियो, फिर तीसरी ले आइयो, फिर चौथी ले आइयो। सारी लड़की थारनियां ना बैठी है इस समाज की। इरे बुंडे कूटड़ी के करम देख, मारे करम किसी के एक बहू ना मिलती, मारे दो दो आ रही है। जरूरत पड़ेगी तीसरी ले आऊंगे। तू बता तुझे क्या परेशानी हो रही है? तेरे घर खाना जा रहे हैं ये, तुझे सता रहे हैं किसी चीज में, नू बता दे। अरे तेरे के चिड़े, तू हमें यह बात बता। अरे समाज में लड़कियों की इतनी कमी है, लड़कों को एक बहू नहीं मिल रही और तुम यह दो दो लियो बैठे। सुनाई ना ही तुझे, हम तो लावेंगे, हम तो मेट्रो ले आऊंगे, मेट्रो। क्या ही बेर बता दी तुझे? अरे चाची, तुम्हें दूसरी बहू की जरूरत के पड़ रही थी। थारे 14 बालक हो तो लिए थे, तुम्हें शांति नहीं मिली? अबे 14 हो लिए थे तो के हो गया, अभी तो और करेंगे। अरे तुम्हारा दम देखना। ओ भाई किशन, तू बिना मतलब हमें देख के जड़े। राजेंद्र की माँ ठीक कह रही, मेट्रो हमारा आने ही वाली है। और तेरे वाले छोरे को ही देंगे सबसे पहली नौकरी। तेरे वाला इंजीनियर है, ये उसमें ड्राइवरी कर लेगा, ठीक है? और नू ना करे करते जो कर तू कर रहा। किसान, तेरी समझ में ना आ रही। अरे जब मेट्रो मिलेगी ना, अगली सीट पे बैठा पहले तुझे ही बैठाऊंगे, तू टेंशन ना ले। तेरे ससुरे ई रिक्शा को मेट्रो बता रहे, रिक्शा लाओगे तुम? अरे ये मारे कर्मों से जल रहा। अरे नू ही जल जल के कोयला होता रहेगा, कुछ तो काला है ही, और जल के काला हो जाओगा। और हम नू ही फलते फूलते रहोगे, भोकंदे नहीं सफर है। हाँ फलते फूलते रहो, तुम फूल फूल के सारी धरती को कब्जा लो। अरे हम सारी दुनिया को कब्जाऊंगे, तू बता क्या करेगा? अरे तू अपने घर को जा, तू धार ले रहा है, तुझे बूझ रहा है कोई? चल निकल तेरा ससुरा। अरे किसान, हमारे बालक तो पढ़ रहे ना, तेरा बालक तो पढ़ रहा। अरे तेरा ही चला कर ले चला करेगा मेट्रो, तू काहे को टेंशन ले रहा? हाँ तेरे को ड्राइवर बना देंगे हम, नौकरी देंगे उसे। जा जा निकल जा, भतेरे सिमझा लिए थे। अरे इस मार तो मैं तेरा ब्याह के लड्डू ना देखा ही, मुझे पता ही ना तू सैकड़ों बात भूलता। पता ना की लड्डू सामान रे अपने आप। अरे बापू, हाँ मेरी समझ में एक बात आवे। बता। इसे जो भी होता होगा देखा जाएगा, इस साले की सोल बैठा लो पहले। इसकी भी सोल बैठाओगे, बालक बड़े होने लग रहे, बैठा दे। चल देखता जा, ये तो याद कर ले तू, पर यू नु जल जल का मर जाएगा। आओ अंदर पर को चलो। बता देखियो क्या तरह की सब्जी धरी है? अरवी धरी है, आलू भी धरे हैं, प्याज धरी है, हरी मिर्च धरी है। हाँ सारी चीज़ ले वो दाल का पानी बना के धर दे, ये सब्जी पता ना क्यों ना बनाती। तेरी समझ में ना वे, बड़ी बात थरी समझ में आती नहीं। राजेंद्र तेरी तो समझ में आ सके, इन बालकों को तू वे बात बताता क्यों नहीं? कौन सी बात? अरे ये किशन वाला घर मारा ही है, मारा दादा दे के गया था इनके दादा को रहने खातर। अरे बापू क्यों झूठ बोल रहा, और क्यों तू मेरे पे झूठ बोलवा रहा? यू घर इनका दादा लाई ना के। अरे नु तो मुझे भी पता की नहीं की है, पर तू समझ नहीं रहा, मारे बालक तो हो गए घने और जंगा है थोड़ी। और तो के तू समझ नहीं रहा? अरे झुक कर मैं तुझे समझा रहा, तू इन बालकों को समझा, ये अपने बालकों को समझावेंगे। अकियो मारा ही है। अरे झूठ भी बोलता बोलता सच हो जा कर, तुझे एक बात बताऊं, बालक तो है घने, जंगा है थोड़ी, आगे ने चाहगी नहीं। अरे जैसी ने जरूरत पड़ेगी आदित्य ही कुछ तो ले मरेंगे। अच्छा यू बात है, तो फिर एक काम कर, बुलाई ने सारे को, तू ही समझा दे।
अरे बुलाए ना सारू को, मजे तो ने कुछ और भी बात समझानी। अच्छा हाँ। ओए सारे उरे गवाओ यहाँ बैठो, बाबा के मंत्र सुनो जो ही सुना रहा। बैठो 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 बैठो, ए ढंग से बैठ। जुकर मैं कम्मा वा बात सुन लो और धुरलो के नाम की सुन लो, समझ गए? काम आवेंगी ये बात थारे सारू के। आराम से बैठ और ध्यान से सुनो मेरी बात, के कह रहा मैं। पप्पू मुझे एक बात बता, तुझे ही नहीं इतनी समझाने की जरूरत के है? जब ये लेने पाओगे तो रेहपटे मार के ले लेंगे, मार तो घने सारे हैं उसके, तो एक ही है वो के उखाड़ेगा। तू बात ही नहीं समझ रहा, अरे रेहपटा जिम मारेंगे जब इनके दिमाग में बात होगी कि यह चीज मारी है। हाँ यू बात तो है। हाँ और के समझा रहे मैंने, यही तो बात समझा रहे। हाँ भाई यही बात मेरे बापू ने और मेरे बाबा ने समझाई थी, मन्ने आज तक मार नहीं खाई। अब गौर तो सुनो के कराई बुढ़ऊ के उल्टे सुधे पाड़े पढ़ा रहा है इन बालकों को, कभी खाने कमाने की भी बात बता, देख रहो ही ना उल्टी सीधी बात बताते रहो। खाने कमाने कहा बता, मैं ये तो नए नए नुक्ते बताए जाओ। इन पे गणे नुक्ते आवे, ना तो घर में एक पूछ रहे ना दो खोड़ते ना वे रहे, उन्हें भी बेच के चाट गए अपने, इन्हें बताएगा नुक्ते। खड़ी अकल धरी है नुक्ते बताने की। अरे माँ तुझे ना पता, बापू धरे बहुत बड़े बड़े नुक्ते, जो बालक इसके नुक्ते सीख लेगा वो कभी मार नहीं खानेगा। ओए बालको पहले तो तुम सारी एक बात ध्यान से सुन लो, यू जो किशन का घर है ना, मारे दादा ने इन्हें दिया था रैन के नाम का, और यू है महाराई। ओए बालको एक बात और ध्यान से सुन लो, सुन लो ध्यान चुगर दे गुरु आखना, मुफ्त में जहाँ कहीं कुछ भी मिलता हो वहाँ हर सूरत में जाना, सुन गया? बोले तो कह रहा, और घरू चाहे कितना भी जरूरी काम हो वो होता रहेगा, पर वहाँ अड़े रहो। और हाँ एक बात और, ए बात सुन, एक बात और, चाहे तुम्हें कोई खदेड़े भी तुम वहीं डटे रहो, चार चार बेर लो, खाओ भी और घर को भी लाओ। हाँ अरे थरा बापू ठीक कह रहा, इससे भी बहुत सारा लगे। ओए अलन एक बात सुन, जानते छेड़ने से एक बात या सुन लियो सारे ध्यान ते, जो थारे कोई थोड़ी सी भी चोट मार दे खप्पर से भर दो जन नाइट काट दियो। ओए तुम भी सुनो, अगर थारा 2 रुपए का नुकसान होता हो तो 100 बताओ, और जब तक वो कम से कम 50 रुपए ना दे दे जब तक खप्पर भरो, किसी की ना सुनो, फैल जाओ। और सुनो रे, चाहे हमारे घर में कुछ भी ना हो और भार ऐसा बन के लिख लो जैसे तुम यहाँ के बादशाह हो, समझे? आगे समझ में। और दूसरी बात या ध्यान रखने की, केले कहीं फंस जाओ तो बिल्कुल मत लड़ियो, जो वो तुम्हें केला कहीं फंस जा तो बिल्कुल मत छोड़ दियो, या बात भी ध्यान रखनी सारू को। अगर थारे में से किसी से कोई भिड़िया तो उस पर सारे टूट पड़ो सारे, चाहे गलती अपने वाले की क्यों ना हो, ठीक है? बिल्कुल सही कह रहा तू, पीठ क्या कदी नहीं आना अगले को, पीठ क्या हो उसे सही खोप बैठे, आगे बात समझ में? अरे समझ रहे इन बातों को, अगर बापू की बात थारे दिमाग में बैठ गई तो तुम कदी मार नहीं खाने के, मैं कदी पीट के नहीं आया, मन ने अच्छे अच्छे को पिटा, और तुम तो घने हो, मैं तो अकेला ही था, फोड़ के आया हूँ, खुन्नम खून कर दिया मन ने कई आदमी। एक बात और सुनो, तुम्हें कदी खर्चे की चिंता नहीं करनी, सुन गया? हाँ जब मांग के खाना तो काय की चिंता करनी, सिखा दो अपने ने जो सिखाना। पता नहीं के सिखान लग रहे मेरे बालकों को, मरवाओगे क्या इन्हें कहीं? बहुत चुप रह लगर, इन बालकों को कुछ सिखा लेने दो, बीच बीच में बोल लू जा। ओए बालको एक बात सुन लो, जो तुम्हें किसी पे तक कुछ लेना हो तो रज्जी बोल के लिया करे मिलेगा, और जो कोई तुम्हें कुछ दे दे फिर वो उल्टा देने की कोई जरूरत नहीं, यू सारी दुनिया का माल मारा ही है, इस बात को दिमाग में धर लो, सुन गया? इब समझ गए सारे? इब नू बताओ मैं के बताया, तू बता रहे टोटे पहले कभी पिट के नहीं आना, ठीक है, और तू बता के बताया कहीं फ्री का बट रहा हो वो कहीं कहीं भर लेना, चल तू भी ठीक है। हाँ बोल ले, सुनता नहीं बेटी चोद, समझता ही ना, जुकर बता मैं, जो कोई लड़ेगा तो हम सारे उसे मिलके पीट देंगे, ठीक है? चल पचक दूं पचक दूं दूं पचक दूं पचक दूं दूं पचक दूं, पर आ सुनियो ये कहां चले बाबा, चल जा रे
कहाँ जाओगे खेलन नु बताओ। जोड़ पे खेलेंगे। और हाँ सुनो, वहाँ रगबीरे के घेर में 2-3 पेटे अमरूद के लग रहे हो तो ले आइयो जरूर। जो मताओ मिला। अरे तो थोड़ी देर वहीं बैठ जियो। अरे एक काम कर, अरे थैला से ले जाओ, उसे भर के ले आओ। जा रहा आलन, झोला लिया जा। ये ले तू सब्जी बना ले, इनका तो यूं ही राग चलता रहेगा। और ढंकी सी रांध ले, रोज दाल का पानी दे दे घोल के। देखो प्रिया, कितनी प्यारी बात लिखी हुई है। और उज्जवल तुम भी सुनो, अभी से होमवर्क तो कर लें दो। अरे मैं भी होमवर्क ही करा रहा हूँ। फर कितना है बस, तुम उसे बच्चे का होमवर्क करा रही हो और मैं पेरेंट्स का होमवर्क करा रहा हूँ। चलो पहले आप ही बताओ, हम आप ही की बात सुनेंगे। चलो बेटा पापा की बात सुनो। सुनो, जीवन में सुखी रहने के मंत्र। मंत्र नंबर 1, जीवन में सहनशील बनो। हम सब में धरती जैसी सहनशीलता होनी चाहिए, समझ गए? मंत्र नंबर 2, मंत्र नंबर 2, पैसे का चाहे जितना घाटा हो जाए वो घाटा घाटा नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्ति हो जाया करती है, लेकिन हमें स्वास्थ्य और चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों घट जाते हैं। ए बच्चे उज्जवल सुन लो, अगर चरित्र और स्वास्थ्य घट जाते हैं तो इनकी पूर्ति बहुत मुश्किल होती है। मंत्र नंबर 3, सुनो उज्जवल, ये गांठ मार लो, जो चीज हमारी नहीं है वो हमारी नहीं है, उस पर अधिकार जमाना पाप है, लिखा है किताब में। मंत्र नंबर 4, किसी को देखो, किसी भी चीज को पाने से ज्यादा उसको त्यागने में आनंद आता है, हैं? जैसे पैसा है, पैसा जब हम खर्चते हैं तब हमें उसका आनंद मिलता है। सही बात गलत? अब आगे सुनो, देखो मंत्र नंबर 5, पूरा संसार अपना परिवार है, संसार के सभी मनुष्यों को अपने भाई बहन जैसा प्यार करो, मतलब सबको वैसे समझो जैसे हम अपने परिवार वालों को समझते हैं, ठीक है? मंत्र नंबर 6, धोखा देने से अच्छा है धोखा खा जाना, क्योंकि धोखा खाने वाला केवल एक बार धोखा खाता है, लेकिन जो धोखा देता है वह अपना जीवन ही नष्ट कर लेता है, है ना? अच्छी बातें। अब आगे सुनो और देखो, अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो वहां भी शांति स्थापित करनी चाहिए, ठीक है? पहले पता करो गलती किसकी है, जिसकी गलती है उसे भी समझाओ और जिसकी गलती नहीं है उसे भी समझाओ, तभी शांति पैदा हुए है, ठीक है? समझ गए उज्जवल? हाँ जी। ये सच है, कभी भी किसी दूसरे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अपनी चीजों की हिफाजत जरूर करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हम अपनी चीजों को लूट जान दें, समझ गए? हाँ बेटा, कभी किसी को धोखा नहीं देना है, किसी से लड़ना नहीं है, सब अपने ही भाई बहन हैं। हाँ बेटा, ये बात हमेशा याद रखना। देखो सारा संसार सुखी रहेगा तभी हम सुखी रहेंगे, समझ गए इस बात को? सुन ले बेटा, ये बात ध्यान रखोगे तो खुद भी सुखी रहोगे और बाकी भी सुखी रहेंगे, ठीक है? हाँ पापा, हमारी मैम भी स्कूल में सिखाया करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओके, समझ गए हो तो फिर अपना होमवर्क करो। मेरा होमवर्क कंप्लीट, ठीक है? अब कराओ इसे होमवर्क। चमन्नी, कल मेरे रिश्ते वाले आए थे, लड़की की फोटो भी ले रहे थे, लड़की बहुत सुंदर है। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ, मैंने मना कर दिया? अरे तन्ने मना कर दी, अरे मेरे रिश्ते की बात चला देता भाई। तू बात तो पूरी सुनता नहीं, बीच में टांग अड़ा दे। अरे भाई पहले तू अपनी सुना, हम तेरी सुनेंगे। बस पैसे की बात पे बात बिगड़गी। अरे पैसे तो मैं दे देता, जितने तुझे चाहिए थे। कितने मांग रहे थे पैसे? एक लाख। अच्छा भाई, एक लाख तो मैं दे दूंगा, एक लाख की कोई बड़ी बात ना है। नू बता, बात तो पक्की है? हाँ बात तो पक्की है, इसमें कोई दो राह नहीं। आदमी जनून है, लड़की जनूनी। भाई चील सुन मेरी बात, तू तीतर की ढाल मत कर दिए। वाने फेसबुक से व्हाट्सएप से मेरी बहू दिवाई, मगर बहू आज तक नहीं एक भी। अरे चमन्नी, तू तीतर में और चील में अंतर नहीं जानता के? अरे जानू तो हूँ, जबी तो तेरे से बात करूँ भाई। बस तो नू ही देख ले तू, चील की जुबान पक्की है। अरे तुम्हारी भी बात पक्की है, एक लाख रुपए तुझे मैं दे दूंगा, तू टेंशन मत मान। मेरी बात करवा। भाई बात तो मैं करवा दूंगा, पर तुझे तो पता ही है सूखे गले मेरे पे कोई बात होती नहीं। अरे चील घबरा क्यों रहा है, शाम को घेर में आ जाइए, गला भी तर करवा दूंगा। और बता। और तो अब घेर में सांझ को आके बताऊंगा। तो बात पक्की है? हाँ। चल तो ठीक है भाई। आराम से खेल रहे? हाँ खेल रहे, ढंग से खेल रहे, ऐसी कोई बात। अरे चचा रास्ता घेरो बैठा रहे तू, आने जाने वालों की नहीं तो रास्ता छोड़ दे कर। अरे बालक खेल रहे, खेलन नहीं देता के तू इन्हें, कितने एक राह चाहता जाए। मुझे तो कुछ नहीं रास्ता चाहता, पर तू क्यों रास्ता घेरो बैठा रहे? बता बा, रास्ता घिरा बता रहा, बाल को जाओ रे तुम सारे भीतर। जाइए ना, जाओ पहले इसकी सोल बताऊं। इब बता हो गया रहा? इब तो हाँ होगा, चला दूंगा मैं। अरे तू के पेड़ से ठाए फिर सवेरी सवेरी। अरे पेड़ नहीं पौधा है, पौधा आज पौधा लगावेंगे तो सालों में जाके पेड़ बनेगा। हाँ चलेंगे सारे चलेंगे, पर पीछे बता कितने कितने देगा। अरे चचा पौधे लगाने के पैसे नहीं मिलते, ये तो देश का काम है, समाज का काम है, इसमें तो पौधे मिलेंगे लगाने को। अरे यू श्रमदान है। दान कर, हमारा के काम? हमने कभी दान नहीं दिया, हमारे बापू ने कभी दान नहीं दिया, हमारे दादा ने कभी दान नहीं दिया, और तो और हमारे परदादा ने कभी दान नहीं दिया। मारे तो बड़े कह के मरे, कभी दान ना दे दिए। क्यों बापू तुम्हारे पर मारे बालकों पे दान दुआन लग रहा? अरे कोई पीछे दिल्ली कुमार का जुगाड़ हो तो वो बता, पर हमारे यहाँ दान देने का तो रिवाज ही नहीं है कोई। हाँ थारे यहाँ तो पता ना कैसे कैसे रिवाज है और कैसे कैसे रिवाज ना है। मैं कह रहा हूँ तुम 24 घंटे पैसा ही पैसा करो हो, कुछ काम ही समाज की निया भी कर ले करो। फिर समाज में खान को दे रहा के हम फालतू भी रह गए, फिर काम के बदले में दान मिल रहा हो तो बता, नहीं तो अपना काम कर। क्यों बापू? अरे मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं के कह रहा हूँ तुझे, पर मैं नू कह रहा हूँ चाचा जितने थारे बालक हैं कम से कम उतने पेड़ तो लगा लो, एक के हिस्से में एक पेड़ तो आ जावे। आज फिर बालको क्या लगा दिखे आयु भाई, मारे बालको पे दांत तठाए रखे आयु भाई किसन, तू आज अपने जी की बता दे, तेरे जी में क्या है? तेरी सोल बैठा मैं पहले। अरे चाची मैं बालको को कुछ नहीं कह रहा। अरे पेड़ खाए फिर आयु, यू कह रहा पौधे लगाओ, पता ना क्या बात है। कह रहा आयु सारे बालको को ले जाओ, चले जाओ। भैया किशन कितने कितने पैसे मिलेंगे? सारे चले जाओगे मारे तो बालक। अरे चाची पौधे लगाने हैं पौधे, यू समाज का काम है, इसमें पैसे नहीं मिलते। हाँ फ्री में पौधे जरूर मिलेंगे लगाने को, चाहे दो चार घर को भी ले आइयो। अरे इन पेड़ पौधों में हम आग देंगे, हम के करेंगे उन्हें घर ला के, ऐसे ऐसे काम लेकर आवे मारनी हो, तू के मान रहा हमें? खामो का उल्टी सीधी बात बता रहे हैं। अरे मैं तो तुम्हें बहुत बढ़िया मानो बैठा हूँ, जो तुम बन के दिखा दो तो दो चार पौधे ला के घर में लगा लोगे, घर की शोभा बढ़ेगी, है शुद्ध सांस मिलेगी, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, पत्ती मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, है और सबसे बड़ी बात शुद्ध हवा मिलेगी ना। ओ भाई तू हमें घने भाषण तो दिया ना करे, मिल रही हमें सारी चीज, तजे हमने हजार पर कह भी लिया। अरे चचा मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ, सरकार फ्री में पौधे लगाने को दे रही है, आज इतवार का दिन है, बरसात का मौसम है, वन महोत्सव चल रहा है, दो चार पौधे लगा लोगे तो समाज का कुछ भला हो जाएगा, चलो। अरे तू बकवाद मत करे, हम ख्याल ली ना, हम जा रहे हैं मूली पारन, तेरा सुसरा तलकी तलक बकवाद करा, अरे अपने घर को जा, हम तेरी तरह ख्याल ली ना। अरे तू तो इन बाल को अधिकारी बनाता कहिए था, और ले जान लग रहा तू मूली पड़वान। अरे हम तो मूली भी पड़वाऊंगे, गाजर भी पड़वाऊंगे और मेथी भी कटवाऊंगे, तू के ले हमारे बालको से, तू धार ले। अरे चाची यू तो थारी भूल है, ये बालक तुमने पैदा जरूर करे हैं, पर ये थारे हैं नहीं, ये सारे समाज के हैं, इन्हीं ते समाज बनेगा, इन्हीं ते समाज बिगड़ेगा, इन्हें पढ़ा लिखा लो, कोई ढंग का काम करवा लो इन पे। हाँ अरे हमारे लिए तो मूली पाड़ना काम बढ़िया, उससे पैसे मिले, तू बता के करे और तू अपने घर को जा। क्यों बापू?
अरे तोड़ने पाड़ने का काम सिखा तुमने, कुछ बो भी लो। तू इतनी बार ते पाड़ना पाड़ना कर रहा, असा हमने के पाड़ दिया। तुम पाड़ने की बुझ होके कल वे नगर निगम वाले सड़क के सहारे सारे पेड़ लगा के गए, हरे बालक सारों को पाड़ आए। बताओ के मिला इन्हें? अरे शहर में ऊंट बदनाम, इस गांव में कोई गलत काम कर दो नाम मारो का याना, और सबसे पहले तू नाम ले उनका। अरे थारो का नाम ही नहीं आता, ये करते हैं ऐसे काम, और तुमने सिखा रखा इन्हें है? सच्चाई तो तुम देखना ही नहीं चाहते। बात को मान लो, पेड़ लगा लो, ये मूली पाड़ना गाजर पड़वाना यू आज पैसा देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दे। पेड़ लगा लोगे तो यू पैसा भी देगा, सांस भी देगा और रोटी भी देगा। देख के उल्टे पाड़े पड़ा रहा है यू हमें, पेड़ पे से पैसे झड़ जाएंगे, रोटी झड़ जाओगी, जो उनसे हमारा पेट भर जाएगा। बात बना रहा। अरे चाची जो यू बात थारी समझ में आ जावे तो रोना ही काहे का है, तुम्हें करना तो कुछ है नहीं, चीज तुम्हें सारी चाह है, लकड़ी तुम्हें सबसे ज्यादा चाह, तुमने वे लठला के धर रखे, तुम्हें फल भी चाह है, बताओ। हाँ देखे क्या मारे थे, तू टोकरी भर के फल धर जा। अरे फल नहीं खा रहे तो कम से कम सांस तो तुम ले ही रहे हो, सांस की न्याय एक आध पेड़ बोलो, थारी समझ में नहीं आती बात। अरे हमारी समझ में ना आती तो ना आती, तू के समझा रहा हमें? अरे तू अपने घर को जा, हमें तू ही ना जीन दे रहा। के कह रही चाची तू, मैं ना जीन दे रहा या मुझे तुम ना जीन दे रहे है? पेड़ लगावे हम और ऑक्सीजन पी जाओ तुम, तुम्हें पेड़ लगाने को कह लगो तो तुम्हें पैसे चाह है? मैं थारे हाथ जोड़ू थारे पाँव पकड़ू, पेड़ लगा तो हम ही लेंगे, बस तुम इन्हें पाड़ो मत। अरे हम तो नहीं पाड़ेंगे, तेरे पर रुकते हो तो रोक ले, और पेड़ लगाओ एक नहीं तेरे पर लगवाए जा तो लगवा ले। अरे राजेंद्र नू तो मुझे पता करोगे तो तुम अपने मन की, पर मैं तुम्हें नू कहूँ उतने पेड़ तो कम से कम लगा लो जितनों की लकड़ी में थारा अंतिम संस्कार हो जा। देखो घना ना बोलिए, अंतिम संस्कार का वारा हमारा ठाक है, पटक दूंगा मतना मेरे हाथ उठावे। क्यों बापू, बापू पटपू खा गए? अरे किशन जा चला जा, लगा ले अपने पेड़े वेड़े से, क्यों मारे हत्थू को दुख दे रहा ना, राजेंद्र के हाथ तक कुछ हो जाएगा भी। मैं तो जा ही रहा हूँ, पर तुम्हें बता रहा हूँ या तो पेड़ लगा लो नहीं तो एक दिन पछताओगे, बनाओगे तुम इस हिंदुस्तान को रेगिस्तान। अरे हम ना पछतावे, तन्ने ठेके ले रखे सब काम के, तू ही करता फिर, हमें ना इतना टाइम, आ भाई चल। चलो जा पिट जाता बच गया, बापू से मारूंगा जरूर एक दिन मैं। मम्मी ने मम्मा को फोन करा आज, तो मम्मा आज नहीं आवे मम्मा, जो अभी गया तो चिज्जी लाऊगा। मम्मी ना मानते, और जो अभी गया चिज्जी नहीं लावे, और जो अभी गया हमारे ही कुछ खा ना जाएगा, और जो अभी गया साथ भी चला जाएगा। मम्मी मामा को बुला लो ना। बेटा मामा को बहुत काम है ना, मामा इंजीनियर है ना, फुर्सत होगी उनको, वो अपने आप आ जाएंगे। नहीं मम्मी, मामा को फोन करो, और क्या हो, मामी को लेके आ जाएंगे, मेरे को उनसे बहुत सारी बात करनी है। चलो ठीक है, फोन करूंगी। ठीक है कह देना, मेरा मिलने का मन है। ठीक है कह दूंगी, अब आप जाओ होमवर्क करो। रचील नू बता के रहा हमारी बात का? तेरी बात का के रहा ना, बात मैंने उनके पाले में फेंक दी है। अच्छा तू अपना रिश्ता पक्का मान के चल भाई, बहुत बढ़िया, पर सालों का मुंह फट रहा भाई। कितना मुंह फाड़ रहे हैं अब? 1 लाख तय बढ़ के 1.25 लाख पे आ लिए भाई। यू की बात हुई भाई, यू तो आदमी पागल बनाने वाली बात है भाई, ऐसे ही वो तीतर करे था, ऐसे तू करने लगा भाई। भाई यू बात की है भाई, यू घात है भाई। अरे घात कुछ भी नहीं है, तेरी बात पक्की है, मैंने दे दिया उन्हें जुबान, 1.25 लाख ही मिल जाएंगे, पर यू मौका नहीं चुका, तू नहीं करेगा तो मैं करूँगा। मैं तो सोच रहा था मेरी उम्र तो बतेरी पड़ी है, तेरी उम्र निकलती जा रही, तू पहले फंस जा, पर जब भगवान ने ऐसी चाही है तो तेरी किस्मत में बहू ही ना है तो मैं ही कर लूंगा, मैं ही दे दूंगा 1.25 लाख रुपया, मेरा दौरा कौन सा पैसे की कमी है। अरे तू तो बुरा मान गया भाई चील, अरे तू मेरा छोटा भाई है, तेरी जुबान ना ग्रंथ में, ऐसे तो 1.25 लाख मैं ही दूंगा, अरे मैंने हाँ भर रखी है, तू बात आगे बढ़ा भाई। मैं उन्हें तेरा नंबर दूंगा, उनका फोन आवेगा तो तू कंफर्म कर दिए, कुछ एडवांस मांगे तो पीछे मत हटिए, बस तेरी एक फोटो और भेज दूंगा। तू बेधड़क होके फोटो भेज दिए भाई, चवन्नी का पीछे हटे भाई। बस तो चीली कौन सा पीछे हट रहा नहीं तो भाई, तू जाने तेरा काम। अच्छा मार दिया,
के मार दिया। तुम्हें एक बात बताऊं, जो आपस में लड़े और कहीं गए, बक्कल तार दू मैं कक्के, खेत में जाऊं मैं ही बालू मां। सुन क्या रे? अरे के बात रे तू? अरे सिमरना रही मोसा जी, राम राम। राम राम, आजा, हम तो बाट ही देख रहे थे तेरी। और यू के दाब रहा तू, सुनिए। अरे मेरे यार रे, तू शर्म नहीं आई, पैया के मूंगफली लेकर चल पड़ा। भले आदमी बालकू का तो देख रहे थे, हिसाब की देख है। अरे मोसा जी, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो कहाँ से लाता? अरे मैंने सोचा खाली हाथ से अच्छा ये पावर मूंगफली लिया। अरे दो दो चार चार सब पे आ जाएगी बतेरी। अरे खाली हाथ के फिर थोड़ी सी और लेता, भले आदमी तू भी शर्मा ही नहीं रहा। महंगाई महंगाई बता रहा, शर्म नहीं आई रही है, बांध के चल पड़ा। बा बहुत बढ़िया रह, तू तेरे भागते बालकों को मूंगफली के दर्शन हो गए। दिखे वो राजेंद्र तो जा रहा, दो एक बालक बीमार से रहे, उन्हें डॉक्टर के लेकर। तेरी मौसी जा रही है अपने घरू और मैं जाऊँ एक बार खेत में, और तू इतना आराम से बैठ और बालक तेरी खूब करेंगे सेवा, और सांझ को तू जाइए मत। ठीक है मोसा जी, आप निश्चिंत होकर खेत पर जाओ, अब मैं आया हूँ तो दो चार दिन रह के जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, और चल तू बैठ आराम से। और सुन, ले तू एक डीवीडी दी है, ला तू मैं ही ना काट लूंगा के। चल मैं आऊं, तू बैठ इतना। अरे पानी पियो रे अपने मामा को बालको। चल तू इसे, चल मैं ही करवाऊंगा इसे भीतर, पता ना के गिरता पड़ता सा इंडू जा। चल दिखा, पता ना के लखवाजा मार रहा है कभी। अरे ध्यान रखियो बालको अपने मामा का, कदई सरक जानूंगे तिंगे कहीं। बच्चे कम हटो। अरे कम बगदा, हटो। अरे कोई पा, अरे पानी लिया बेटा। अरे अरे मेरा जूता कहाँ? कम बगदा, अरे मेरा जूता, अरे मेरा जूता, अरे घने पैसों का जूता। पचक दुम पचक दुम दुम पचक दुम पचक दुम दुम पचक दुम अरे दुम, अरे मेरा जूता। पचक दुम दुम पचक दुम भाभी कैसी हो? ठीक। उज्जवल देख कौन आया है। भाभी बैठो बैठो, भैया आजा। उज्जवल आजा। उज्जवल देख तेरे मामा आए, तेरी मामी जी भी आ गई। यहाँ बैठ। मामा जी नमस्ते बेटा। जीते रहो। जीते रहो बेटा। और कैसे हो? जी ठीक है। फोन वोन कर देते? बस टाइम नहीं मिला। फोन करने का टाइम नहीं मिला, पर चलो आ तो गए। सरप्राइज। देखो बेटा हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। ये बनाना है, ये एप्पल है। मामा जी इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी, मैं तो अकेला ही खाने वाला हूँ। हाँ यार ये ठीक कह रहा है, फ्रूट्स इतने ला के रखे हुए हैं, फ्रिज भरा रखा है, ये खाता ही नहीं। फ्रूट नहीं खाता तो भाई साहब कोई बात नहीं, हम मिठाई भी लेके आए हैं। ओहो भाभी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। दीदी इसमें खर्चा करने की कौन सी बात है, हमारा एक ही तो भांजा है, कौन से 14-15 हैं। फ्रीज है, फ्रीज में रख देना, खाता रहेगा आराम से। दीदी कुछ चीज हम भी तो खा के जाएंगे। हाँ हाँ जरूर खा के जाना, लगे शायद सलद साहिबा को भूख लगी हुई है।
प्रिया तुम जरा चाय पानी का इंतजाम करो। और सुनो, जब ये लोग आए थे तो राजवीर जी झांक के गए थे, ठीक है? ये सब उठा के फ्रिज में रख दो, नहीं तो उसकी रकात आती हुई खा जाएगी सब। ठीक है भाभी, आ जाओ। चलो दीदी। और सुनाओ, ठीक है सब जी? ठीक, काम धंधा सब अच्छा है? चलो, सास ससुर कैसे हैं हमारे? सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। बहुत अच्छे, ध्यान रखना उनका। जी बिल्कुल। कैसे बालक है, मैं तो परेशान हो गया जीजा से। अरे कैसे कैसे बच्चे पैदा करे? मामा के जूतों को ऊपर जूता छीन लिया। और दूध दाद हो रहा है घर में? चलो बढ़िया है। बन गई चाय? हाँ ये लो चाय। चलो रख दो संभाल के। लो बिस्कुट लो। लो भाभी जी आप भी लो। नहीं नहीं भाई। अरे लो भी भाभी। ले लो ना भाभी। हाँ तुम भी लो। मैं तो नमकीन लूंगी। पहले ये खा लो फिर नमकीन भी खा लेना। ले भाई। उज्जवल बेटा लो। वेरी गुड। एक मैं भी ले लूं। अरे मैं देती हूँ। चाय लो। अरे तुम भी ले लो। हाँ मैं भी लूंगी। चाय किसने बनाई? मैंने बनाई है। भाभी जी को बनाने देती ना, भाभी जी का हाथ की चाय पीते। इतने दिन में आई है वो मेरे लिए कह रही थी दीदी आपके हाथ की चाय पीऊंगी। इतने दिनों में आई है तभी तो पीनी थी इनके हाथ की हमें चाय। लो नमकीन खाओ। नहीं नहीं बस, इनके हाथ की चाय पीनी है ना तो इनके घर चलना है। चले जाएंगे, टाइम आने दो। लो नमकीन खाओ भाभी। तो लिटन तुमने नहीं दिया, बैठन तुमने नहीं दिया, पानी तुमने नहीं दिया। लो मैं जा ही रहा हूँ। मम्मा तू कुकर जाओ संकल भेड़ का बैर की। ए, मोसा सकल भेड़ गया? यो मोसा भी मुझे मरवा के छोड़ेगा, गाय को बांध के लकड़ बग्गों के बीच में। अरे मेरा प्यारा भांजा देख, मेरे गुल्लू तू मेरा प्यारा भांजा। अरे मैं जा नहीं रिया, बस तू एक काम कर, बाहर जाके सकल खोलिया। संकल तो मैं खोल दूँ अम्मा, पर मैं 2 रुपए चाह बीच पे कुछ चढ़ का खोलिए अम्मा। अरे बीच पे नहीं चढ़ना, तेरी चोट लग गई तो यो मुझका मेरे सर हो जाएगा। ना अम्मा चोट ना लगेगी, मैं तो तेरी साइकिल भी बीच पे उतार दूंगा। अच्छा तुम टाल करो। अरे थोड़ी बहुत देर बैठन भी दोगे ना? दोगे, जाओ। अरे ढोले खड़ा हो मम्मा की साइकिल। अरे बालको, अरे तुमसे ना चलने की ये साइकिल। अरे हट जाओ, अरे छोड़ दो। अरे साइकिल खराब हो रही है, रोको रोको रोको, अरे रोको रोको, अरे हटो, अरे साइकिल खराब हो रही है, अरे छोड़ दो छोड़ दो मेरी साइकिल। अरे छोड़ दो, अरे साइकिल, अरे साइकिल खराब हो रही है। Ha ha ha!
अरे मेरे प्रिय भांजो, खोल दो, देखो खोल दो। मैं तुम्हें रसगुल्ले लाऊंगा, रसमलाई भी लाऊंगा, मैं तुम्हें चमचम भी लाऊंगा। बस एक बार किवाड़ खोल दो, हाथ जोड़ू मैं तुम्हारे, खोल दो देखियो। अरे ओ, साइकिल को मत छेड़ो, मेरी साइकिल खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें रसमलाई खिला दूंगा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, खोल दो। अरे के कर रहे बालको, बहुत बढ़िया साइकिल, फिर अपने मामा पे मंगा लियो एक साइकिल। कहाँ था रे मामा? क्यों जाता होगा वो? अच्छा यू तुमने बहुत बढ़िया करा, जान की बहुत लगी रहा इसके। अरे रे तू, हाँ मोसा। अरे के कर रहा तू, भीतर आवे ना मेरे यार। कुछ करने लायक छोटा ही कहाँ है इन बालकों ने। अरे खोल लेना कुंजी। मोसा कुंडी तो खुली पड़ी है। अरे भीतर तक कुंडी लग रही, खोल उसे। मोसा भीतर से ना लग रही। अरे भले आदमी थे तो बालक ही तंग कर दिए मरे, आ जा लिकड़िया। मोसा बाहर से गोल कुंडी। ओहो लबा तो बाहर थी है कुंडी बंद, आ जा पचक दूं। भीतर क्या कर रहा था तू? पचक दूं। अरे मोसा जी मैं भीतर कुछ ना कर रहा, मैं तो जा रहा था। अरे मेरे यार मैं तुझे कह के गया था नहीं जाना नहीं जाना, फिर तू जा क्यों रहा था? मोसा मेरा तो यहाँ इतना जी लग रहा, अब के बताऊं। पर कुछ नहीं भाई, तूने बताए जूते काख में क्यों दे रहा तू? और क्यों तू पसीना पसीना हो रहा, डर भी रहा? कहीं बालकों ने तंग तो ना कर दिया तू? बच्चे कम तंग, अरे तंग करना कैसे कह मैं? मैंने तो ऐसे शुद्ध बालक धरती पर कहीं नहीं देखे। भगवान ऐसे बालकों की उम्र लगावे। ना ना ये तो बात है, हम बालकों को बहुत टाइट रखे हैं, और राजेंद्र तो सारा ही ध्यान बालकों पे लगा रहा। वह तो किरेन की दादी है ना, वह इनका पक्ष ले ले, वह नहीं कुछ सीखन दे रही। ना तर हम तो इवलो पता नहीं के सिखा देते, और सब माँ बाप नहीं सोचे कि हमारे बालक कामयाब हो जाए। अरे मोस्ता जी ये तो बतेरे कामयाब हैं, इनमें ना कुछ भी बिसर। मैं तो थारी बाढ़ देख रहा था। क्यों भाई? मैं जाऊं था। अरे मेरे यार तू क्यों जाऊं, जा कर रहा तू भी? अरे बालक साइकिल सीख लेंगे, और तू इतना आराम कर, राजेंद्र आ जाएगा, तेरी मौसी आ जाएगी, उनते मिल के जाइए। अरे एक काम कर, मैं इतने तेरी साइकिल ले जाकर दो गट से दो एक किलो तमाकू ले आऊं, और तू बैठ और चल, मैं छाछी पी कर बस जान लग रहा। अरे रे तू चिंता ना मन, दो घूट छा पी के मैं जान लग रहा, तू बैठ। ठीक है बैठ। कहाँ है छा छू? ऐसा है ई बालू में तावड़ाई, और तू इतने लोट मार, चलूं बस मैं दो एक घूट छासी पी लूं। रह तू, या तो छाई खत्म होगी मेरे यार, न एक आध घूंट तू भी ले लेता। सुन तू एक काम कर। अरे मोसा मैं तेरे हाथ जोड़ू, छाछ छूज मैंने पी ली, तुझे जहां जाना तू जा, और देखिए मेरी साइकिल बड़े प्यार से चलाना, घने पैसों की खरीदी। ठीक है मैं जान लग रहा, तू एक काम कर, बाहर भीतर जहाँ चप्पल तो चौखी ना लागती, कोई के कहेगा तू ये जूते से दे मजा। अरे मोसा तेरे नाने के। अरे वो तो मैं देखूंगा कि ना क्यों पर ना आवेंगे, ये ले दिखाइए। ये आदमी बाहर भीतर जा जूते जाते पैर के जाना चाह, ये आदमी चोखा भी लगे मानस की आ बैठी जी वो नाने के तेरे ये। अरे तू देख ही ना, तो मैं ऐसे ले आदमी तो लिकड़े भी ना, जूते ही पहरे हमने बोलो, जूते ही पहर के आवे जावे हम जहाँ भी आवे जहाँ। और एक बात बताऊं, लोट मैं बालकों को कह के जमा, भाई ध्यान रखियो अपने मामा का, राजेंद्र आएगा बस, फिर सब ते मिल के और सांझ को तुझे सूत्री डाल भेज देंगे। जल्दी आइए। अरे गया राया, साइकिल की तो रेल बना दूंगा मैं।
और हाँ सुनिए, ले तू एक अद्धी बीड़ी दी है। अरे तू लिया गिनन लग रहा, पता ना कहीं की मुनीमगिरी में बैठ रहा। रामे कोई मिल जा, बीड़ी बैड़ी पहनी पड़ जा। मैं गना फसा यहाँ। अरे बालको ले दियो या साइकिल, दुर्गति कर दी साइकिल की। चला पड़ रहे पचक पड़ रहे ड्राइवर छोड़ी जा पचक दुम दुम पचक। अरे मेरी बात तमाकू लेके है। अरे एक काम करियो, अपने मामा का पूरा ध्यान रखियो, पानी पात बूझ जो से और पाम इंचो पहले तुम उसके सारे। हाँ दबा दे मामा जी की सेवा करते हैं। क्या दबा रहे हो? तुम एक काम करो, एसी चला दो, नरेंद्र आराम कर लेगा। हैं? आराम वाराम तो बाद में कर लेगा, चल भाई पहले खाना खा ले। चलो खाना लगा लो। चलो मामा जी चलो। आ भाई बोला बेटा। अरे मोसा जी हाथ वात तो धुलवा दो। हाथ कहीं में संजय रहा, मेरे यार खा खुले न। अरे मोसा जी खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। हाथ धोने तो अपने आप धोया जाएगा, ससुराल में थोड़ी ना आ रहा। तेरा ससुराल सपा बन रहा, जा धोया जाएगा, जा जा निकल ले। घना इंजीनियर का ससुराल बन रहा फिर। तुम पीछे को हो जाओ, कैसे छाती पे चढ़े खड़े हो? पीछे को हट जाओ, नहीं चूल्हा मोड़ा से दूंगी एक हाथ। देखो राजेंद्र ले रोटी ले जा। हाँ माँ ला। हटा नहीं पीछे को। ले भाई। बुरा बहुत बढ़िया खावे ने। हाँ खा, खा। ये टिक्कण मैं खा लूं और बुरा तुम खा जाओ। बापू बुरा बहुत बढ़िया, कहाँ से मंगाई? बुरा घिनी बढ़िया खा ले। अरे बेटी की यार की ना सारी बुरा खिंडा दी, मुनी के एक जगह बैठ के खा ले। इसे भी दे थोड़ी जी, ये बुरा खावेगी। ले आराम से बैठ के खाओ एक जगह। अरे माँ कर दिया नाश, देख देख वेले भागे, रोटी भी ना खाने दी से। तेरे ससुरे पता ना कहाँ से पैदा हो गए। देख रे एक डली जी, मत भी दिखा इस बुढ़े डांट को। देखो सालों तेर पे बिना खाई गई, एक घंटे से लग रहा चुकर चुकर, उल्लू की तरह देख रहा। राजेंद्र ले ले तू भी। आजा आलिया। अरे बापू आलिया मैं क्या कमूं। अरे मुझे भी खाऊं तो मारी जी। हटो 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 हटो। अरे आ जाओ अरे आ जाओ। अब देख इस राजेंद्र को भी देख ले, बालकों में बालक हो रहे हैं दोनों बाप बेटा। इन में नहीं है कल का खोज। हाँ ले ले है गुटकी। खाले खाले बुरा बेटिया आया, इसे ले या देडियक। इनके नहीं लिहाज बिल्कुल भी आएगा इकी भी। मर ले हो उत्ते हो, मेरा तो बड़ा जन्म दुखी है इस घर में। धर लेंगे खाए करेंगे। हाँ और के घी और मिला लेंगे इसमें। घी बुरे चला गए तो फिर और जान सी आ जाएगी। हाँ बस आराम से खाओ, आराम आराम से ले लो, खाओ खाओ। चलो तू भी ले ले रहे। ए पोले के मेरे मुंह को देख रही है, तेरे पे भी चार रोटी ना सीख रही। मम्मी जी हमने रोटी खा ली। हाँ खा ली। सब्जी भी लानी, बुरा भी खा ली। हाँ बुरा तो मैंने ही खाया। सब्जी भी लानी। सब्जी सब्जी ना लानी। रे तू ले तो रोटी खा ली। हाँ, ले एक बीड़ी ला ले। ले दिए ले मोसा, इस बीड़ी को तू ही रख ले, मेरे धोरे के काम इस बीड़ी का। चल ठीक है ठीक है, ये तो पी जहाँ सब दिन ले हम पी लेंगे। रिश्तेदार रोटी तसल्ली से खा ली। हाँ खा ली,
वह हम तो ऐसी इज्जत करें आए हुए हाँ। कोई और कमी हो तो और बता दे ना, इसलिए तो मेहमान हमारे ज्यादा आवे अच्छा। हम इज्जत बहुत करें हाँ 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 मजा आ गया हाँ मजा आ गया। खाओ जी शुरू करो खाओ नरेंद्र शुरू करो। लो सलाद भी लो। अरे प्रिया रोटी लाओ जरा लाओ लाओ मुझे पकड़ाओ मैं देता हूँ। लो जी गरम गरम लो। भाभी जी आप भी लो। ये मैं ले लेता हूँ ठीक। लो और ले आओ। हाँ लाती चलो थोड़ा जल्दी करो खाओ खाओ। भाभी जी शर्माओ मत खाओ। लाए चाय दे दे सर तू को। ले भैया चाय। राखी चल घर चल माँ से मिली ये बहुत दिन हो गए मिले हो तुझे। पूछ ले अपनी मौसी से। अरे मौसी। हाँ बता बेटा। अरे राखी को भेज देती मिली आती माँ से। अरे के भेज देती इसे कैसे भेज दू इसे अभी तो मौका सही ना है। अच्छा आ जाओ। मक्का बहुत दिन हो गए मिली आती। अरे भैया इसका मिजान सा ना है जाने का अभी। क्यों मिजान को क्या हो गया। अरे तुझे के बताऊं पर चल ले तू जुम्मा पढ़ रहा तो बताई दो। इसे दिन से चढ़ रहे हैं है कुछ इसका पाँव भारी है। अरे मौसी तू इन लोंडियों का क्यों पाँव भारी करवा रही। बुंड थूथड़ी क्या मैं क्यों करवाती पाँव भारी अपने जीजा से बूझ। ऐसी तूने सीमा के गैल करवा रखा था अब तू यो बता मैं होली पे कोथली लाऊं या छूचक लाऊं। क्यों तूने मेरा चक्कर डन करवा रखा है। निर्भाग कम मखत तेरे पे के जोर पड़ रहा कोई तो खुश हो हमारी भांजी भांजे हो रहे तू यहाँ नाक मार रहा। छोचक की तो मांग रहे तेरे से कोथली की तो कई ना रहे छोचक लाए जा। अरे मौसी कुछ हिसाब किताब भी तो होता होगा हर दसवें महीने में मुझे छुचक लाना पड़ लिया है। बच्चे तुम्हारे हो रहे हैं और कर्जा मेरे सर पर चढ़ लिया है। अरे कुछ तो रहम करो बाल बाल बिंदगिया है इन भांजे भांजों के चक्कर में। अरे मौसी कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर। अरे तू कुछ देवे या मत देवे पर तू मेरी पोती पोते को तो रहम रहम करा मत ना जा अपने घर को। शर्म तो ना रही होगी तुझे देख कितना बोल रहा है। अरे मुझे तो शर्म बतेरी आवे तुझे तो नाती पर। ए शर्म तो मुझे बहुत आवे पर क्या करूं गांव का बालक बालक जान गया मुझे। और जनसेवा केंद्र वाले नू कह रहे थे कि रिश्तेदार कुछ छूचक उचक न लाया। लो अपनी भेंट पकड़ो मैं चलूं। अरे मैं कहना चापूंगी मेरी पोती पोते इनको दे जा सब 10-10 रुपया। बोलता क्यों ना बैठा घूमड़ा सा। सब खाल पाड़ लो मेरी। अरे मौसी मैं बालकों को 10-10 रुपए दे तो देता पर क्या करूं फिर मेरे पास भाड़े को पैसा ना बचे। अरे आया साइकिल से जाओगा साइकिल से 10-10 रुपए दे जा पर बालकों को। अरे मौसी साइकिल की भी तो ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने मेरी। अरे बताओ वो मौसा ले गए थे वो मेरी टीप फाड़ लाए वो चल के मुझे पड़वानी है। अरे तू पर गुजा इन बालकों को ले जा। अरे तू इनके सबके बाल छटवा ला हम ना ले रहे तेरे से 10-10 रुपए जा। यू लो मौसी तुम अपने 10-10 रुपए पकड़ो और जिसे छटवाना तुम अपने हिसाब से छटवा लियो और मेरा छोड़ो तुम पेंडा मैं चला अब। अरे भूखा ही जावेगा रोटी रोटी खा के जाइए बड़न लग रही है। हाँ कल वाली रोटी मेरी छत्ती पर रखी अभी वो ही नीचे गुन आ गई पेट में कू। अरे अभी तो वे भी ना है यहाँ वे खेत पे गए हैं उन्हें भी आ जान दे उनसे मिल के ही चला जाइयो। उनसे तो मैं रात ही बतेरा मिल लिया था। तू बचा लन दे मुझे इन लकड़बग्घों से अपनी जान। मेरा काम बिगड़न लग रहा अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे ना मानता तो चला जा भैया नुकसान ना होना चाहिए तेरा।
ठीक है राम राम। राम राम के बात रहे तू चल दिया। हाँ जी मैं तो चल दिया, लेकिन मोसा जी तुमने बालक बहुत बिगाड़ रखे। बालकों के बारे में कुछ मत बोल दी। ओए सुन, मेरे आगे बोल दिया तो बोल दिया, मेरी माँ के आगे ना बोल दिया ना लगते पैर देगी। बिल्कुल बालकों की नहीं सुने हम। अच्छे लग रहे बालक तो, और बालक कैसे हो? इन बालकों ने तंग कर दिया। यू चुप चुप बैठी रहे, फिर क्या होगा? इसके भांजी भांजे ना आए, बकवाद कर रही है। जीजा जी भांजे भांजी तो हैं, लेकिन इन भांजे भांजियों ने मेरी साइकिल का नाश कर दिया। अरे चल कोई बात ना, अगली बार नवी ले आइए। और एक बात सुन, यहाँ मोहल्ले में थोबरा ठीक करके जाइए, कदी न्यू भुंडी शकल करके जा, और ना हमें मोहल्ला न्यू कहेगा कि इसकी सेवा ना करी। और हमने पूरे दिन तेरी सेवा में लगा दी, सारी पूंजी खत्म कर दी हमने। हाँ तुम्हारी पूंजी खाकर ही मैं इतना बड़ा ना हुआ है। और हाँ तुझे जाते जाते एक बात बता रहा हूँ, मोहल्ले में किसी की शिकायत ना आ जा कि तेरी सेवा ना करी, और ना तुझे पता फिर मैं कैसा आदमी हूँ। हाँ पता है तुम कितने बड़े वाले कंजर हो। और सुन जाते जाते एक बात और सुन ले, जो तेरे से बात बताई उसे ध्यान रखिए, और ना पता तुझे फिर मैं कैसा आदमी हूँ। हाँ पता है कैसा आदमी है। अरे सुन तो। अरे राजिंदर नाच बना धरा, चक्की पे धरता चला जाओगा, कौन ले जाएगा सिर पे धर के वन लो और वजन मरेंगे। बापू रोकिए ऐसा। अरे सुन तो भले आदमी, तू तो मुंह से बना के चल पड़ा। राजेंद्र ले आओ कटका क्यों कटा के। अरे मोसा जी इसकी तो टीप फटी पड़ी। अरे टीप तो पिटी रहने दे, टीप में के काटना, तू इस पे धरू चला जा। और टीप तो तू फिर भी नवी गिरवाओगा, उससे के भी गिर रहा यार। राजेंद्र कट्टा टेक ले बापू, उसकी पिसाई दे रखी थे पिछली, पिसाई हम के देंगे। वो भी इस पे रख दो ना, देता जाइए तुम दस रुपए दिखे उसके। दे दिए उसे रक्षा करते किसी को। दीदी अब हम चलते हैं। ये लो दीदी अपनी मिलाई। भैया इनकी क्या जरूरत है? कोई नहीं दीदी कोई नहीं, रख लो, ये लो रख लो आप। अरे ले लो ले लो ले लो, ऐसा मत करो। लो बेटा आप भी लो बेटा। नहीं मामा जी बेटा ले लो, ले लो बेटा ले ले बेटा, खुश रहो। पैर छू ले भाभी, मामी जी के भी छू। इसमें ना आपकी साड़ी और भैया के कपड़े हैं। दीदी इसकी क्या जरूरत है? कोई बात नहीं भाभी, अच्छा लगता है, लेने देने से कुछ नहीं होता, प्यार बढ़ता है। ओके आते रहना भाभी ये कपड़े। चलते हैं जी जी जीजा जी, ठीक है ओके, संभल के जाना, बाहर तक छोड़ के आ गए उज्जवल। चलो अच्छा जी, बाय 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 टाटा बाय बाय, संभल के जाना है। हाँ जी हाय नमस्ते जी, पहुँच के फोन कर देना। हमारे जीजा ने भी बालकों की लाइन लगा रखी है, छूचक देने में जिंदगी कट जाएगी हमारी तो। दुनिया छूचक ने मार ली, ये देखो बड़ा भाई भी छूचक लेके जा रहा। रुकियो जी, अरे बड़े भैया छूचक लेके जा रहे आके। भाई छूचक नहीं अपने घर का सामान लेके जा रहा, ये देखो छूचक लेके जा रहा और झूठ बोल लिया। महाराज जीजा भी थमता ही नहीं, पता नहीं क्या खा रहा।